जिले के सदर थाना इलाके के हिराजानी जाखड़ों की ढाणी सनावड़ा से 6 दिन पूर्व घर से लापता युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। वहीं ढाणी में खून से सने हुए कपड़े और घर के आसपास भी खून के निशान मिलने से परिजनों को मर्डर का संदेह गहराता जा रहा है। वहीं मामला दर्ज हुए 6 दिन बीत जाने के बाद भी गुमशुदा खरताराम का कोई सुराग नहीं लगने और सदर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर बुधवार को परिवारजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। जिले के सदर थाना इलाके के हेराजानी झाखड़ों की ढाणी सनावड़ा से 6 दिन पूर्व घर से लापता युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। वहीं ढाणी में खून से सने हुए कपड़े और घर के आसपास भी खून के निशान मिलने से अब परिजनों को मर्डर का संदेह गहराता जा रहा है। सूचना पर वार्ड में DSP और CI ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। पुलिस ने युवक की पत्नी से पूछताछ करने के साथ हर पहलू की बारीकी से जाँच कर रही है। परिजनों के मुताबिक 4 मई की रात को 23 साल के खरताराम पुत्र देवाराम निवासी है हेराजानिया झाखड़ों की ढाणी सनावड़ा घर पर था। घर पर उसकी पत्नी और दोनों ही थे। खरताराम की शादी को करीब 1.5 साल हुआ है। 3 दिन पहले ही उसकी पत्नी ससुराल से आई थी। 5 मई को पता चला कि खरताराम घर से गायब है। उसके कपड़े, पर्स व मोबाइल भी उसके पास नहीं है। इस पर परिजनों ने घर व आसपास देखा तो खून के निशान मिले। सड़क तक कई जगह खून के धब्बे मिले। घर के बाहर डाले हुए कचरे में भी खून से सनी हुई रेत मिली है। इसके अलावा युवक की पैंट और टी शर्ट पर भी खून के निशान मिले। सदर थाना पुलिस ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं। वही DSP आनंद सिंह राजपुरोहित व सदर थाना अधिकारी कृष्ण सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था। घटना के 6 दिन बीत रहे हैं। ऐसे में माता पिता और परिवारजनों को चिंता सता रही है कि कहीं उनके बेटे की हत्या तो नहीं कर दी है। लेकिन मामला दर्ज हुए 6 दिन बीत जाने के बाद भी गुमशुदा खरताराम का कोई सुराग नहीं लगने व सदर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर परिवारजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में खरताराम के परिवारजनों ने बताया कि खरताराम मजदूरी का कार्य करता था और उस दिन वह जल्दी ही घर से निकल गया था, लेकिन उसके बाद से ही खरताराम की कोई खबर नहीं है। सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और आंगन में खून के निशान और दूर कचरे में भी खून के निशान मिले थे। तो मैं 5 मार्च को पुलिस सदर थाना पहुंचा और पुलिस को सूचना दी और पुलिस पर मौके पर पहुंची और खून मिला, वह भी पैर मिले, निशान मिले, कपड़े मिले खून से रंगे और भी भाई संपल मिले, कंबल मिले, कंबल में भी खून मिला। आज SP साहब ज्ञापन दियो और आश्वासन दियो कि मैं आपके पूरी जांच कराऊं और पतो लगाऊं। आ गया कि भाई सोरो खत्म कर दियो, सोरी के मामलो के सोरी के जी मैं आई के भाई इन मार दूं आप दूसरी जगह जाता रहो। बाद में क्या निशावा यार मोहनत भाई और न्याय मिले और सोरो मिले के तुम भी लावे तो मोने वो सोरो पासो पुलिस द्वारा हवाले करे कहीं भी करे। खरताराम की पत्नी सुनन दी बंदर सब पक्को है, वो आरोपी पक्की है और उसका पिताजी नंदराम राम और संभा देवी और जोगाराम मात पक्को शक है माने। परिवारजनों ने खरताराम के पिता देवाराम कुछ लोगों के नाम बताते हुए उनके द्वारा पहले भी जान से मारने की धमकी देने की बात कही गई है। उन्होंने गेनाराम नाम के युवक पर संदेश जारी करते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के दौरान खरताराम के परिवारजन मौजूद रहे।